अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मजे में होंगे। माय नेम इज नेम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका। माय तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नहा धो के रेडी शेडी हो चुका हूँ। तो चलिए गाइस, नाश्ता करानी है हमने, बहुत प्यास लग रही, पहले पीते पानी। चाय आ चुकी है पापे, दूसरी चाय मेरी वाइफ की है वो भी। एक चीज दिखाता हूँ, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट मिले हैं हमारे। सबसे पहले ये हमारे बड़े भाई हैं, उनकी बहुत पुरानी फोटो ये होंगे, लगभग 5-6 साल के। इसके बाद आते हैं हमारी बाजी जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत ही पुरानी फोटो है भाई, देख लो कितने बुरे धब्बे लग रहे हैं फोटो में। चलिए अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये है मेरा 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो कि मैं पेपर देने गया था तलवार। भाई बड़ी मेहनत करी थी भाई, ठंड ठंड में गए थे हम, क्योंकि जनवरी में पेपर थे, 2016 की बात है। ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है भाई, तो हम पेपर देने गए थे, पास तो अल्लाह ने कराई दिया, 11वीं पास हो गए, 12वीं में पता नहीं भाई हमने कैसे क्लास छोड़ दिया। नाश्ता कर लिया है, फोटो भी आपको दिखा दिए, चलिए बाहर चलते हैं, कुछ बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको, क्या मोहल्ले में कौन है कौन नहीं है। कोई नहीं है गाड़ी के अलावा, ये दुकान है परचुने की, और यहाँ पे भाई बिल्कुल सफा चट है, कोई है नहीं यहाँ पे भाई। लेकिन रमज़ान से आने से पहले यहाँ पे माल पे से इतने लोग आ जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी, आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। बस आज हमें एक काम कराना है, ये गेट है हमारा ठीक कराना है भाई, ये अटकता है ऐसे करके, देखो ये अब तो चला जाएगा लेकिन वहाँ से लौटते में दिक्कत करेगा। टकरा नहीं तो पता तो लग गई है, चूल में एक गोली होती है गोल गोल, वो घिस गई है, उसे पहले यहाँ से खोलना है, खोलने के बाद इसे यहाँ से पूरा उठाना, इसके अंदर डलेगी गोली डलेगी फिर ठीक हो जाएगा। तो ये शाम को करेंगे, अभी लोग हैं नहीं भाई, उतना बड़ा गेट है कौन उठाएगा, तो लोग से क्या उठ रहा है खाक। तो चलिए पानी पीते हैं। पानी पी लिया, मार्केट चलते हैं, गेट का वो कंचा लेने, गोली होती है चूल की, उसको लेने चलते हैं और मार्केट दिखाते हैं, मार्केट का व्यू दिखा दिया आज कैसा है। कल तो भाई बैडनेस डे था, तो सब दुकानें बंद थी, चलते हैं मार्केट। मार्केट में अपनी एंट्री हो चुकी है, चलिए आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं। बहुत भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पे गाँव के लोग सामान लेने आते रहते हैं, गाय का लोहे का सामान मिलता है, कोई बारात लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई घोड़े की नाल लेता है। अपने महादेव चौराहे पे आ चुके हैं और ये दुकान भी यही है जहाँ हम सामान लेने आए हैं। तो ले लिया, घर पे चलते हैं, अब ले जाएंगे हम पान की दुकान में पान लेने। पान की दुकान वे एकदम, कितने सारे पान लेके आ रहे हैं, पूरे मोहल्ले वासी उठलाएंगे आज इनने। चलो अब चलते हैं घर पे, को एकदम घर पे आ चुके हैं। तो मार्केट में मिला नहीं, मुकौट की दुकान बंद है, पूरी मार्केट कहीं नहीं मिला, तो हम मोहल्ले की दुकान से ले रहे हैं अपने अतिक भाई से। ये भाई 50 का नोट है, कटी रुपी, कटी में 30% में लौटाई दो, 20% का दही दही दो, दही दही बड़ा टाइम लग रहा इसका, दही भाई 250 ग्राम आएगा। चलते हैं, ये आया हूँ नहीं, ये मसाला मैगी रेसिपी तैयार है, धनिया प्याज मिर्च टू मैगी और साथ में एक मसाला एक्स्ट्रा। बोलना जरूरी है, इसमें मैगी डालते हैं। मैगी बन चुकी है हमारी, बन चुकी है गर्मा गर्मी है। ये भाई मसालेदार, बड़ी मेहनत कर गया भाई, लॉक खुला इसका, बड़ा गेट है भाई, लगा नहीं है बाहर से लगा, अभी गिलेंडर से कटेगा, गिलेंडर तैयार है, टाइम लगेगा थोड़ा, बहुत मेहनत करिए भाई। अब सही है, हवा डलवा लेते हैं पहले, डलवाने इसमें हवा नहीं है भाई, चलते हैं मार्केट। आज देखो तो खराब कटिंग हो चुकी है, चलिए उसको रखते हैं, एकदम सामान हो गया। पहले कहते ऊपर नीचे होता है, ये ऊपर होता है, नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है भाई, बड़ी मेहनत करी है, देखो कितनी मेहनत लगी है। लेकिन अब गेट ऐसा हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक जला दो, बस हल्का सा ही करने को ऑटोमेटिक हो लिया हमने, कैसे जला दो, और ये वाला तो अपना भी भाग रहा, अपना भी भाग रहा, अपना भी भाग रहा, कितना ये पत्ता टूट गया, पत्ता टूट गया, ठीक है,
सेट हो गया, कोई बात नहीं, चलो बहुत प्यास भी लग रही है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, मैं भी सो के उठा हूँ, खाने की तैयारी चल रही है, साथ में फ्रूटी पिया करो कि हमारी फ्रूटी प्लेटें बनाने के लिए, आप भी पिया करो, प्लेट बाया करो। गरीब अपने बनाए हैं आलू के पराठे साथ में चटनी। इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग ये पसंद आया होगा, तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा ब्लॉग में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।